आज का विषय है सेल फॉस, एल्युमिनियम फॉस्फाइड। ये न्यूरोटॉक्सिक सेरिब्रल इनिब्रिएंट पॉइजन होता है। इसकी जो टैबलेट होती है वाइट या ग्रे कलर की होती है और उसमें गार्लिक की स्मेल आती है और एक्सपोजर होने पर यह फॉस्फीन गैस रिलीज करती है। एक्यूट एल्युमिनियम फॉस्फाइड पॉइजनिंग बहुत ज़्यादा अंडर रिपोर्ट की गई है थ्रू आउट द वर्ल्ड, इंडियन में और नेपालीज में। एल्युमिनियम फॉस्फाइड जो होता है वो फ्यूमिगेंट के रूप में अनाजों को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है, अनाज को सुरक्षित रखने के लिए, कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए इसकी बॉल टैबलेट को डाला जाता है। यह क्विक फॉस, सेल फॉस नाम से अनेक ब्रांड के नाम से मिलता है मार्केट में। यह हाईली टॉक्सिक होता है जब यह फ्रेशली ओपन कंटेनर में होता है। मैकेनिज्म ऑफ टॉक्सिसिटी, ये कैसे टॉक्सिसिटी करता है, तो एल्युमिनियम फॉस्फाइड इज एट्रीब्यूटेड द लिबरेशन ऑफ फॉस्फीन गैस। मैं एल्युमिनियम फॉस्फाइड से फॉस्फीन गैस रिलीज होती है जो कि एक साइटोटॉक्सिक कंपाउंड होता है। यह फ्री रेडिकल मीडिएटेड इंजरी को कॉज करता है, वाइटल सेलुलर एंजाइम्स को इनहिबिट कर देता है, रोक देता है और डायरेक्टली जो है ये डिजीज के लिए कोरोसिव होता है, यानी कि दाहक होता है। द फॉलोइंग रिएक्शंस रिलीज फॉस्फीन व्हेन एल्युमिनियम फॉस्फाइड रिएक्ट विथ इन वाटर इन द बॉडी। जब यह पानी के साथ मिलता है, एल्युमिनियम फॉस्फाइड जब पानी के साथ मिलता है तो ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस फॉस्फीन गैस रिलीज करता है और स्टमक में एल्युमिनियम फॉस्फाइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ एल्युमिनियम क्लोराइड और फॉस्फीन गैस रिलीज करता है जो कि हाईली टॉक्सिक है। साइंस और सिम्टम्स जो मिलते हैं इसमें, डिजीनेस होता है, सिर चकराना, वोमिटिंग, डायरिया, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाता है, साइनोसिस, कार्डियक अरिथमिया, सर्कुलेटरी फेलियर, कन्वल्जेंस और लास्ट में डेथ हो जाती है। इसका जो फैटल डोज है 1 टैबलेट है 3 ग्राम, फैटल पीरियड 12 to 24 आवर्स है। मैनेजमेंट एंड आउटकम, जो एल्युमिनियम एक्यूट एल्युमिनियम फॉस्फाइड है इसका प्योरली सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है क्योंकि इसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, इसका कोई एंटीडोट अवेलेबल नहीं है और इसका जो मॉर्टलिटी रेट है 77% से 100% तक होता है। इसकी ट्रीटमेंट में हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस को करेक्शन कर सकते हैं, ये इसका फर्स्ट मेन ट्रीटमेंट है। द रोल ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट एज अ पोटेंशियल थेरेपी इन एल्युमिनियम फॉस्फाइड पॉइजनिंग में डिक्रीज द लाइकलीहुड ऑफ अ फैटल आउटकम, ये इसके फैटल आउटकम को कम कर सकता है एंड हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन मैनी स्टडीज़। कई स्टडीज़ में मैग्नीशियम सल्फेट का ये रिजल्ट आया है। तो स्टमक वॉस विथ सोडियम बाइकार्बोनेट, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट और एंटीडोट अवेलेबल नहीं है तो उस हिसाब से इसकी चिकित्सा करनी है। पोस्टमार्टम अपीयरेंसेस में गार्लिक की स्मेल मिलती है, कंजेशन एंड इडिमा ऑफ विसरा मिलता है। मेडिको लीगल एस्पेक्ट है इसका, ये कॉमनेस्ट पॉइजनिंग इन नॉर्थ इंडिया है, ख़ासतौर पे सुसाइडल और एक्सीडेंटल, सुसाइड के लिए और एक्सीडेंटल यूज़ किया जाता है और कभी कभी होमिसाइडल होता है यानी कि पर हत्या के लिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।